कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर व्लॉग। तो वेलकम है मेरे पार्ट टू के व्लॉग में। तो अभी हम लोग आ गए ट्री एंड सिल्क फैक्ट्री में, बैम्बू ट्री एंड सिल्क फैक्ट्री में। तो हमें यहाँ पर आई कार्ड दिया गया है। हाय, यस, बैम्बू ट्री में आपका स्वागत है। मैं फर्स्ट टाइम ये सिंक कैसे बनते हैं वो मैं देखने वाली हूँ। कैसे तो रील्स में ही देखा है सिर्फ। देखो गाइस, ये मैंने सिर्फ रील्स में ही देखा था। ये जो कीड़े बनाते हैं सिल्क वाले कीड़े, वो उससे बनता है ये सब सिल्क का। आगे का प्रोसेस अभी ये बन ही रहा है। देखो यहाँ पर है ये, और ये कलर्स भी नेचुरल ही है। फोटो भी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिल्क का प्रोसेस का जो ईड़ी होती है वो कैसी होती है, ये वाली है। और इस मशीन से धागे बनते हैं डायरेक्टली सिल्क। फिर ये लोग ये सब इसमें से ही बनाते हैं। यार कितना माइंड का काम है ये बनाना। प्योर सिल्क दिस इज अ बाम्बू फाइबर, बाम्बू ट्री से बनता है ये। लाइक सिल्क, दिस इज इली वाला सिल्क है ये, और ये प्योर बाम्बू ट्री से बनता है ये वाला सिल्क। और जो चारकोल फेस वॉश और चारकोल मास्क वगैरह जो सब आता है वो उसका कोल भी बता चारकोल भी बताती हूँ आपको। रियल में मैंने भी आज पहली बार देखा। ये देखो बाम्बू चारकोल, वैसे अच्छा है। ये लोग हमें टच भी करने दे रहे हैं और वीडियो शूटिंग भी लेने दे रहे हैं। कहीं पर कई फैक्ट्रियों में टच करना भी मना होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा है नहीं। और ये तो देखो मम्मी का काम का है, प्योर बाम्बू से बनाया हुआ। वाओ, आज पता चला कि ये सब हम लोग जो डेली यूज में आते हैं वो बाम्बू से बनते हैं कोई कोई टाइम। देखो पूरी फैक्ट्री का कैसे सिल्क प्रोसेस होता है वो वाला बताया है, तो हमें थोड़ा आइडिया है। ये पेड़ है, पेड़ से ये लोग इली करते हैं बग। तो ये बग्स हैं, ये देखो ये सारी बग्स हैं। ये बग्स ये सिल्क बनाते हैं। फिर उसका प्रोसेस यहाँ होता है, इसे चरखा बोलते हैं हम लोग, इससे इसमें होता है। बाद में भिगो के रखते हैं, और ये फिर से कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे। और ये भी है पूरा, और ये सब कर कर के ये लोग फाइनली क्लॉथ्स बना देते हैं पूरा। देखो अभी ये भी है, ये मैंने रील्स में देखा था, अभी आज पहली बार मैं देख रही हूँ ये सब। तो चलो आगे आगे भी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है अभी यहाँ पर। गाइस अभी हम लोग बाम्बू फैक्ट्री से निकल चुके हैं, और बाम्बू फैक्ट्री में से गोपाल ने बहुत ड्राई फ्रूट्स कैंडी ली हुई है, आपको मैं दिखाती हूँ। दिखाओ गोपाल, बैग है वो, बैग में।
अंदर भी ओके 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 अंदर भी एक बैग है, तो अभी इसे नहीं दिखा सकते आपको, इससे दिखाती हूँ सबको। ये देखो फाइनली हम लोग मैकलॉन्ग रिवर पहुँच चुके हैं, तो अभी बोट में जाके एंजॉय करेंगे, आपको भी दिखाएंगे सिनेमैटिक व्यू। योर फेवरेट प्लेस। तो अभी यहाँ पे पर्स वो सब है शॉपिंग के लिए, तो इसलिए आरती बोल रही है कि हमारा फेवरेट प्लेस, तो अभी देखते हैं बाद में आके। और बारिश आए ऐसा माहौल हुआ है, बारिश आए ना ऐसा हुआ है, लेकिन अच्छा है कि धूप चली गई। धूप चली गई तो अच्छा है कि बारिश है। तो गाइस दिस इज अ माय ग्रुप, आप देख सकते हो। फाइनली हमारा रेडी है बोट, देखिए 10% ही है, पूरा बोट खाली है, ग्रुप के हिसाब से बोट बुक। अभी का व्यू आप देखिए, एंजॉय करिए मस्त। अभी कल ही बारिश आया था तो पानी भी बहुत ज्यादा है, और देखिए हमारे सूरत में जो वेल की बीच में तो वेल रहती है ना, वो भी यहाँ पे है, देखिए पूरा नदी में। वियतनाम में 3 बजे है और हम लोग लंच करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी फाइनली हमारा वेजिटेरियन फूड, हम दोनों ही हमारे बोट में वेजिटेरियन है, तो सब लोग अभी फिश खा रहे हैं वहाँ पे, अभी तावली नहीं को कुछ। और हम लोग यहाँ पे देखिए हमारा फ्राई राइस और सूप है वेजिटेबल हॉट पॉट। मैं खाऊंगा, तो अभी हमारा फूड आ गया, तो अभी इंजॉय करेंगे हम लोग वेजिटेरियन फूड। फ्रेश आपको दिखाता हूँ यहाँ की, तो हॉट पॉट बना के खाने का है वेजिटेबल। देखो फ्रेंच फ्राइज, यहाँ की फ्रेंच फ्राइज भी देखो, अभी ये लोग खा रहे हैं नॉन वेजिटेरियन, वैसी लग रही है। तो अभी स्पेशली हमको डिनर के लिए बीच में लाए थे आइसलैंड में, अभी यहाँ से कोकोनट ट्री वाली बोट में बैठ के जाएंगे हम लोग। व्यू बढ़िया सा आ रहा है यहाँ पे, देखिए आरती इंजॉयमेंट कर रही है। अभी हम लोग आ चुके हैं रिवर पास करके यूनिकॉर्न आइलैंड में, तो यहाँ पर सब लोग सभी लोकल लोग ही रहते हैं, जो गार्डनर है, कोई जिसका खेत है वो उसका ऑनर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर गार्डनिंग हो रही है। और पूरा कोकोनट आइलैंड है ये, चिकन कोकोनट पक 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 पर उसका लोकल म्यूजिक कॉन्सर्ट है, वो भी हमें सुनने को मिलेगा, कुछ पता तो नहीं चलेगा लेकिन मजा आएगा ये सुन के, तो भी आपको भी दिखाती हूँ सब। जैकफ्रूट, पाइनएप्पल एंड ड्रैगन फ्रूट
बेरीज बेरीज और गोल्डन बेरी कीवी Vietnamese culture song. Vietnamese culture song. ये तो ऐसे गा रहे हैं, हमारे यहाँ पे पॉप सिंगर गा रहे हैं वैसा, बादशाह जैसा. गोपाल का इसे जामुन ढूंढ के लाए हैं. कहाँ से लाए? पूरा पूरा फ्रूट का ही ट्री है. ओके. तो यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट और सब है. ओके. ड्रैगन फ्रूट हमने नहीं देखा, बहुत अंदर है, ये नहीं गए. गाइस अभी हम लोग कहाँ कहीं पर जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं. बोट में बैठ के जाने का है ना अंदर, अभी वो रिवर में लेके जा रहे हैं, कोकोनट ट्री की वाली रियर रिवर में लेके जा रहा है. ओके. तो अभी गोल्फ कार में बैठ के हम जा रहे हैं अंदर. तो ये हमारी दूसरी ई बाइक है, गोल्फ कार. गोल्फ कार फाइनली अभी शैंपेन बोट में जाएंगे घूमने. तो अभी आपको इंस्टा 360 शॉट भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ. फाइनली हम लोग चैंपियन बोट में बैठ गए और अभी कोकोनट ट्री को एंजॉय करेंगे और मस्त इंस्टा 360 में शॉट लेंगे सिनेमेटिक, तो आपको दिखाएंगे. और मैडम देखिए कितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं लोग. अभी हम लोग बैठ गए. गलेली होता है ऐसा ही है, झाड़ में गलेली जैसा होता है. मैं आपको दिखाता हूँ बाहर, देख देखो वो फ्रूट है ना, वो गलेली जैसा ही है, पर स्वाद टेस्ट अलग आता है. देखिए ये वाला रहा ना, वो गलेली जैसा ही होता है पर टेस्ट अलग रहता है थोड़ा. और मस्त व्यू आ रहा है देखिए. हाँ हाँ, फाइनली हमारा ट्रिप निकलो नदी का ओवर हो गया है. तो अभी हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टॉप था तो छोड़ दिया हमने. तो अभी से यहाँ से हमारा बड़ी वाली बोट आएगी. यहाँ से ही गए थे कि ऐसे गए थे ना, इधर से थोड़ी गए थे हम लोग. तो ऐसा थोड़ी था सर, वॉशरूम जाना है तो इधर है वॉशरूम 30 मीटर. तो अभी हम लोग फाइनली मस्त इंजॉय करके आए कोकोनट ट्री वाले. तो अभी शॉट भी आपको अच्छा अच्छा शॉट देखने को मिलेगा कोकोनट ट्री का. इंस्टा 360 में लिया है तो आपको दिखाएंगे हम. ये क्या है? दिस वन वाइन 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 फ्रूट है, फ्रूट के फ्रूट को सड़ने के लिए रखा है तो वाइन है वाइन. तो अभी मस्त कोकोनट ट्री और अभी बोट में जाके कोकोनट भी इंजॉय करेंगे हम लोग, तो वो भी हम मस्त से दिखाएंगे आपको. यहाँ 1000 कोकोनट ट्री है ये रिवर के बीच में, तो हमने बस मस्त इंजॉय किया. तो सब लोग आ गए हैं यहाँ पे बाहर. तो अभी हम लोग कोकोनट कैंडी वर्कशॉप में आए. तो अभी यहाँ पे कोकोनट कैंडी वर्कशॉप है, तो अभी आपको दिखाएंगे कोकोनट कैंडी कैसे बनाते हैं, वो भी मस्त दिखाएंगे. तो चलो आपको भी दिखाता हूँ. यहाँ पे सेलिंग भी कर रहे हैं और लाइव अभी कोकोनट
बनाएगा कैंडी, तो दिखाएंगे आपको सब कोकोनट कैंडी है। ऑल कैंडी है, फ्लेवर अलग अलग फ्लेवर में है, चॉकलेट, जैक फ्रूट, कोकोनट, पीनट्स, ऑल फ्लेवर्स अवेलेबल। तो अभी यहाँ पे कोकोनट कैंडी टेस्ट करा रहे हैं, कैसा है? बहुत बढ़िया है, तो ले लेंगे यहाँ से सबके लिए, ले जाने का है। वजन बढ़ जाएगा, हनोई में मिलेगा तो वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि हमारी अभी डोमेस्टिक फ्लाइट है ना, उसमें लगेज में कम वजन लेके जाने का है, तो देखते हैं अभी लेते हैं कि नहीं। वैसे तो ज़्यादा है, इसका वेट नहीं रहेगा, अभी स्नैक वाइन बता रहा हूँ, देखिए कोबरा वाइन एंड दिस ग्रीन स्नैक है, कौन सा है वो पता नहीं है हमको, दिस वन भी स्नैक वाइन, दिस वन वाइन एंड विनेगर वाइन, वाइन कोबरा वाइन। अभी आरती को उपकार रहा है, देख के उपकार रहा है, स्नैक वाइन से सब पीने वाले सब पीते रहते हैं भाई, वो सब यहाँ का कुछ नहीं है, सारे स्नैक का ही भाई, मुकना कोबरा जो व्यसन करते हैं ना उसके लिए काम का है, हमारा कुछ काम का नहीं है भाई, हम तो दिखाने का काम है तो हम दिखा देते हैं ब्लॉग में, सब लोग ऐसे भी ऐसा भी पीते हैं, खाते हैं। देखो अभी हम लोग कोकोनट ट्री देखने गए थे ना, वो ये फ्रूट है वाटर कोकोनट, अंदर वो आप बोलते हैं ना, वो गलेली बोलते हैं ना, वो ये वाटर पर अलग है, डिफरेंट वे, पर जेवी अंदर थी निकला है अभी ने। तो अभी यानी मैं हाथ में लूंगी वो वाला स्टिक, लास्ट स्टॉप, इज इट द लास्ट स्टॉप, ओके लास्ट स्टॉप, मस्तम वो निकालो, बीच पे आ गए, बीच पे पाछड़ जाओ पड़े। अभी हम लोग हनी गार्डन में आए हैं, तो अभी यहाँ हनी टी टेस्ट करवा रहे हैं, क्या है बनाना एंड पीनट्स, नहीं सॉरी मजा है, मजा है। तो अभी शांति को हनी हाथ में लेना है, तो अभी देखिए पूरा हनी निकाल रहा है, ले देखिए हाथ में लिया है हनी, बाइट ना करी जा, बाइट बाइट कर लेगा ना, अभी पकड़ा है पर डरते डरते पकड़ा है उसने, डरती भी है और लेने का भी हाथ में। तो अभी आरती ने उसने दिया, उसके हाथ में दे दिया, फाइनली हमारा कोकोनट भी आ गया है, तो कोकोनट पियेंगे अभी, एंजॉय करेंगे बढ़िया सा, कोकोनट पी के एंजॉय करेंगे। हमने देख लिया सर, अभी जाएंगे रिटर्न।
खाली हम लोग कंबोडिया वापिस आ गए रिवर मेकलन रिवर घूम के, तो अभी यहाँ शॉपिंग था वो भी बंद हो गया, तो अभी देखेंगे। अभी फाइनली हमारा वैन भी आ गया है देखिए, तो अभी कोची में जाने में 2 घंटे लगेंगे, तो अभी मस्त आराम करेंगे अंदर। फाइनली हम लोग होटल वापस आ गए और अभी यहाँ पे खाना पीना भी चल रहा है और रेस्ट करके आए, तो अभी शॉपिंग के लिए थोड़ा जा रहे हैं, तो अभी हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मार्किंग का शूज़ वो सब लेना है और हमारा भी कुछ देखेंगे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। ये मैडम देखिए डिस्को कर रही है। हम लोग हर्ती मार्विन के लिए फुटबॉल एंड स्टार्ट लेना था, तो इसलिए यहाँ पे आए डोंगगुक स्पोर्ट्स में, तो अभी अंदर जाके देखते हैं। कौन सा स्टार्ट और बूट लेते आगे आए थे वो थे, तो अभी हमने फाइनली ये फुटबॉल एंड सॉक्स ले लिए है, हमने सिलेक्शन कर लिया है फाइनली, तो हमारा होटल के बाजू में ही थे, तो पावर मम्मी आज घूमे हो गए तो उसने देखा तो ले लिया था, पसंद कर लिया था, हमारे लिए वेट में रखा था, क्योंकि हमें तो आज पूरे दिन बाहर गए थे वहाँ पे चिली और चुचू टनल एंड निकलम, तो पापा यहाँ थे तो उसने सब चेक कर लिया था, तो अभी ले फाइनली हमने आके ले लिया है, तो अभी फाइनली हमने बॉल फुटबॉल एंड शूज ले लिया है, तो अभी थैंक यू फाइनली हमने यहाँ से थैंक यू यहाँ से हमने शूज एंड बॉल ले लिया है, तो चलो अभी होटल की तरफ रख के जाते हम लोग, तो अभी फाइनली हम लोग गुजराती रेस्टोरेंट में आ गए, देखिए वियतनाम आए और हमारा खाना नहीं मिले ऐसा बनता ही नहीं है, तो अभी हम लोग आ गए खाना पीना खाने के लिए, अभी मेनू ही बाहर ही रखा है, तो बाहर देख लेते हैं पहले, और अंदर सब गुजराती लोग ही है फूल है, तो चलो फटाफट अंदर ही चलो ना भाई, ढूंढे तो कहीं पे भी गुजराती मिल जाता है, तो ढूंढना पड़ता है, प्योर गुजराती थाली रेस्टोरेंट प्योर गुज्जू, आज तो मस्त पेट भर जाएगा ना, बोली हीरोइन चश्मा भी नहीं निकालती है। अभी हमारा फाइनली इडली सांभर आ गया है, देखिए प्रॉपर गुजराती टेस्ट लग रहा है हमको, टेस्ट करके बता दो गुजराती टेस्ट है कि वैसे चटनी बटनी सब देख के दाल देख के तो प्योर ही लगता है, तो अभी साउथ इंडियन टेस्ट सब कर रहे हैं, तो अभी डोसा भी आ गया है मस्त, तो अभी चलो खाना पीना एंजॉय कर लेते हैं, यहाँ पे तो इडली सांभर बड़ी पसंद आ गई है ऐसा लग रहा है, तो रिव्यू भी मिल गया है गुजराती रेस्टोरेंट वियतनाम सेंट्रल साइगोन सेंटर के सामने, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो अभी फाइनली उत्तपा भी आ गया है हमारा, तो अभी हमने फाइनली खाना पीना खा लिया, तो अभी साइगोन सेंटर में जाते हैं अंदर, हेलो फटाफट बंद फिर, तो अभी अंदर जाके शॉपिंग वॉपिंग के देखते हैं थोड़ा, तो फाइनली हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं, और देखिए अभी बढ़िया सा व्यू आ रहा है, 10:30 बज गए, तो अभी थोड़ा धीरे धीरे होटल की तरफ जाते हैं हम लोग, और सामने बियर का ओपनिंग है, तो इसलिए डीजे पार्टी के लिए अभी तैयारी चल रही है,
हम तो कल नहीं है वैसे भी, क्योंकि कल की हम दनांग की फ्लाइट है दोपहर की, तो स्टेडियम अभी होटल पे जाएंगे, अपना सामान भवन अच्छा से रखेंगे। क्या बोले? यस, तो अभी थोड़ा सा सामान जो बिखरा पड़ा है रूम में वो ठीक से रख देंगे, बाद में कल का जो हमें पहनना है और जो नाश्ता करना है वो सब बाहर एक तरफ रख देंगे, क्योंकि कल कोई दिक्कत ना हो ब्रेकफास्ट करके हम लोग यहाँ पर साइड सीनिंग थोड़ा करके चले ही जाए एयरपोर्ट के लिए। तो चलो अभी होटल जाके कुछ ना कुछ करेंगे एंजॉयमेंट। अभी हम लोग मस्त फ्रेश हो चुके हैं और बैग वैग भी मस्त पैक कर देते हैं, क्योंकि कल अर्जेंट ना हो इसलिए पापा कल भागा दौड़ी करेंगे, तो इसलिए मज़ा नहीं आएगा। फिर क्या बोलते हो, क्यों हंस रहे हो? तू भी वही है क्या? हो वही हूँ, तो इसलिए तो बोल रही हूँ कि आज हमारा पैकिंग अच्छे से कर देते हैं। कर दो तो फटाफट, तो चलो हेल्प कराओ। मेरी क्या जरूरत? तो अभी मस्त मैंने हेयर वॉश कर लिया है क्योंकि आज पूरे दिन हम लोग बहुत ही मस्त से घूमे हैं, फिरे हैं, नाचे हैं, गाए हैं, वियतनामी सॉन्ग सुने हैं मस्त मस्त। और यहाँ पर देखो कि ये सो गए हैं, मेरी हेल्प नहीं करवानी है गोपाल जेनिश आपने बोला था कि सो जाना भाई, अभी उसने बोला था मुझे कोई भी जेनिश नहीं बुलाते, तो इसलिए अभी मैं बुला रही हूँ जेनिश। मे आई हेल्प यू? नॉट हेल्प यू, सुई जाओ। तो चलो गाइस, इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो मेरी चैनल लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार करो। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ।